हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास टू का हिंदी का चैप्टर नंबर 24, गिरे ताल में चंदा मामा। सो यहाँ पर चांद की बात हो रही है कि एक दिन ताल का मतलब है यहाँ पर तालाब, कि चंदा मामा जो है एक दिन तालाब में गिर गए हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें हो रही कि फिर क्या होता है। सो गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। सो क्या बोल रहे हैं, गिरे ताल में चंदा मामा, यानी कि चंदा मामा जो है तालाब में एक दिन गिर गए और ये चीज़ जो है सबने देखी, फिर फंसे जाल में, तभी क्या हुआ, मछुआरे ने जो है अपना जाल वहाँ पे फेंक दिया। अब जाल फेंका तो ये जाल के अंदर चंदा मामा आ गए, तो चंदा मामा जो है जाल में फंस गए, ये चीज़ भी सब देख रहे थे। फिर सबने जो है एक अचंबा, यानी कि एक ऐसी अद्भुत चीज़ देखी, यानी कि सरप्राइज़ हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि क्योंकि जब मछुआरे ने वो जाल को उठाया यानी कि समेट कर लेकर आया, अब देखो जैसे वो समुंदर में या कहीं भी डालते हैं तो मछली उसके अंदर आती है, फंस जाती हैं, तो चंदा मामा भी इस तरह जाल में फंस गए थे। तो जैसे उन्होंने उसको जाल को समेट कर बाहर निकाला तो चंदा मामा जाल के अंदर थे ही नहीं, तो सब पूछ रहे हैं कि अब कहाँ चले गए चंदा मामा। तो ये क्या है, चांद की परछाई है, चांद नहीं है, चंदा मामा तो कहाँ है, वो तो ऊपर हैं और उनकी परछाई जो है समुंदर के अंदर है, और किसी की परछाई को आप नहीं पकड़ सकते। तो एक छोटी सी पोएम है जो लिखी है राजेश जोशी जी ने। अब कविता में अचंबा, अचंबा शब्द आया है, कविता पढ़कर अनुमान लगाए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, यानी कि अद्भुत या फिर कुछ अलग सी चीज़, सरप्राइज वो हो गए थे उस चीज़ को पढ़कर। नीचे दिए हुए किस वाक्य में अचंबा शब्द का सही प्रयोग हुआ, यह देखकर अचंबा हुआ कि सूरज प्रकाश देखता है, यह देखकर अचंबा हुआ कि चांद रात में दिखता है, यानी कि अलग सी चीज़ उन्हें मिल रही है, यह देखकर अचंबा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हो रही है और आधा मैदान सूखा था, तो ये वाला सही है। तो ये देखकर तो अलग सा लगेगा ना, आप सरप्राइज़ नहीं होगी कि मतलब इतना पोर्शन है यहाँ आधे पे तो बारिश हो रही है और ये जो बाकी का आधा पार्ट है बिल्कुल सूखा, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो इस चीज़ से आप सरप्राइज़ हो सकते हैं। तो ये जो है बहुत अचंबा हुआ यह देखकर कि आधे मैदान में तो बारिश हो रही है, आधा मैदान सूखा था। इस कविता में चंदा मामा की जगह सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए और अपनी नई कविता को कॉपी में लिखिए। अब यहाँ पर चंदा मामा लिखा था, उसकी जगह आपको सूरज दादा लिखना है, जहाँ भी सूरज दादा हैं, यानी कि जहाँ चंदा मामा लिखा तो हम आगे करेंगे। अब देखिए, चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा न पाई। देखो ये चांद जो है फिर से परछाई जो पानी में दिखाई दे रही है, तो इन्होंने बोला कि चांद की जो रोटी की तरह चांद दिखाई दे रहा था पानी के अंदर आया, लेकिन मछली उसे खा नहीं पाई थी, क्यों, क्योंकि वो तो उसकी परछाई थी। सो अब क्वेश्चन है कि चांद की रोटी किसे कहा गया है, सो चांद की रोटी किसे कहा गया है, तो वो है चांद की परछाई को, चांद की परछाई जो उन्हें पानी के अंदर दिखाई दे रही है। उसके बाद है मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई, तो सेम चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं ये वाला, क्योंकि वह चांद की परछाई थी, चांद नहीं था इसलिए वो उसे नहीं खा पाई थी। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड्स वगैरह वो सब हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी कविता करते हैं, सूरज दादा पे जो उन्होंने बोला था कि चंदा मामा की जगह आपको सूरज दादा यूज़ करना है, उसे लिखना है। सो गिरे ताल में सूरज दादा, सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में सूरज दादा, सबने देखा सबने देखा, सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा, कि मछुआरे ने जाल भी समेट लिया है, कहीं नहीं थे सूरज दादा, कहाँ गए जी सूरज दादा। तो जहाँ जहाँ सिर्फ आपके चंदा मामा थे उसकी जगह भी सूरज दादा लगा दिया है, और सेम इसका मीनिंग भी वही है। अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग है, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं रेड लाइन से उसको जो है यहाँ पर अंडरलाइन कर दूंगी, तो आप वो वाला लिख सकते हैं। गिरना, गिरना का मतलब होता है कि नीचे गिरना, कोई चीज़ जब नीचे गिर जाती है। ताल, ताल का मतलब आप सरोवर या झील लिख सकते हैं, कोई तालाब भी लिख सकते हैं। चांद, चांद का मतलब क्या होता है, रात में चमकने वाला एक चमकदार पिंड, वैसे आप चंद्रमा भी लिख सकते हैं इसकी जगह, लेकिन अगर आप ये लिखेंगे मतलब इसका यही होता है कि रात में जो एक बड़ा सा पिंड चमकता है उसे हम क्या बोलते हैं, चांद। मामा, मामा का मतलब क्या होता है, जो आपकी माँ का भाई होता है उसे हम मामा बोलते हैं। तारा, तारा का मतलब क्या होता है, अब देखो तारा और चांद दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन चांद जो है बड़ा पिंड होता है और ये जो है एक छोटा सा पिंड होता है तारा। ओके, बादल, बादल का मतलब होता है आकाश में तैरने वाली भाप की से बनी पानी की बूंदों का समूह, उसे हम बोलते हैं बादल। बादल क्या होते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सिर्फ पानी की बूंदें ही हैं और कुछ नहीं है वो। खेलना, यानी कि मज़े के लिए, जब भी आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए आप कोई भी चीज़ करते हैं। गाना, अपनी आवाज़ से कोई गीत या धुन निकालना।
नाचना संगीत की ताल पर अपने शरीर को हिलाना या डुलाना उसे हम बोलते हैं डांस करना। सोना यानी कि आराम करने के लिए आंखें बंद कर लेना होता है सोना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है कविता में क्या हुआ था, तो चंदा मामा जो है ताल में गिर गए थे और मकड़ी के जाल में फंस गए थे। तो यहाँ पर मकड़ी का नहीं है, मछुआरे का जाल है। सो मछुआरे के जाल में फंस गए हैं। मछुआरे ने क्या किया, मछुआरे ने अपना जाल समेट लिया। चंदा मामा कहाँ गए, चंदा मामा चांद पर चले गए। क्या आपने कभी चांद देखा है, तो हाँ ही रहेगा, तो कब देखते हैं, रात में आसमान में। चंदा मामा का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला। चंदा मामा क्या करते हैं, तो चंदा मामा रात में हमारी पृथ्वी पर प्रकाश डालते हैं। आप चंदा मामा से क्या कहना चाहेंगे, तो चंदा मामा आप बहुत अच्छे हैं और आप हमारी रात को रोशन करते, क्योंकि रात में रोशनी देते हैं। चंदा मामा डैश में गिर गए, कहाँ गिरे थे वो, ताल। मछुआरे ने जाल क्या किया था, समेटा, उन्होंने लास्ट में जो अपने जाल को समेट लिया था, तो मछुआरे ने जाल समेटा। उसके बाद चंदा मामा कहाँ गायब हो गए। सो ये जो है दो तीन फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं। सो ये आपका चैप्टर हो गया, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, जो कविता वहाँ दी थी वो सब, और इसका जो है एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हो गया। साथ में ही इसकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी है इन सब की, ताकि अगर आपको ये क्वेश्चन वगैरह लिखने हैं तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं ये PDF को देखकर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी लिंक कर सकते हैं। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।